तपना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। देखो मैं फिर आपसे कहता हूं, वो एक मूर्तिकार को किसी ने मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया, तो मूर्तिकार क्या था, वो जंगल में जाके दो पत्थर लेके आया बड़े बड़े, उसने कहा इससे मूर्ति बनाऊंगा। बड़ी पुरानी कहानी है। मूर्ति बनाते बनाते जैसे ही उसने छेनी हथौड़े का वार किया तो पत्थर में से आवाज आई, स्टॉप, इट्स पेनफुल, इट्स वेरी पेनफुल, लीव मी, मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया, क्योंकि उसको दर्द हो रही थी छेनी और हथौड़ी के चोट से। उसने दूसरा पत्थर उठाया और उस पर छेनी हथौड़े का वार किया। वार करते करते उसने बोला, इज इट पेनिंग? उसने बोला, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन, यस इट्स पेनिंग बट यू कैरी ऑन। और वो बनाता रहा, बनाता रहा, बनाता रहा, और दूसरा पत्थर मूर्त में कन्वर्ट हो गया। उसको ऑर्डर मिला था मंदिर मूर्ति बनाने का, और उसने शानदार भगवान की मूर्ति बनाई। दूसरा पत्थर जो चोट नहीं सह सका वहीं पड़ा था, जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो लेने आए। उसने कहा, आवर हमारी मूर्ति रेडी होगी, उसने बोला इन फ्रंट ऑफ यू। तो वो ले जाने लगे, जब मूर्ति ले जाने लगे, ले जाते ले जाते ले जाते गेट पे ही रुक गए। उसने बोला, क्या क्या दिक्कत है? उसने बोला, इस पत्थर को भी साथ ले जाएं क्या, जो चोट सह नहीं पा रहा था। उसने बोला, मेरे किसी काम का नहीं, करोगे क्या? कह रहा, जब मूर्ति पे लोग प्रणाम करेंगे तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। तो ये नारियल फोड़ने के काम आएगा, तो हम ले जाते हैं। उसने बोला, ओके ले जाओ। अब मूर्ति लग गई मंदिर में और पत्थर लग गया सामने। मूर्ति की होती पूजा, उसकी होती ठुकाई। हर आधे घंटे में कोई आए ठकाक, हर 15 मिनट में आए कोई ठकाक, जय अंबे जगदम्बे ठकाक। और वहां मूर्ति मुस्कुरा रही। उसने बोला, इतना दर्द क्यों? तो अंदर वाली मूर्ति जवाब देती है, पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं सहना पड़ता, पहले दर्द सह लेता तो आज नहीं। मैंने दर्द सहा 2 साल, तू रहेगा जिंदगी। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आज कुर्बान करके भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज निर्माण करके भविष्य कुर्बान किया जा सकता है। चॉइस आपके पास है माय डियर फ्रेंड्स, इट्स ऑलवेज अ चॉइस टाइम, ये डिसाइड। आपको कहते हैं कि आग में जलकर ही सोना कुंदन बनता है यार, है ना? अपने आप को जलाना, तो जलाने को तैयार है कि नहीं? मुझे आज भी याद है, मेरे पास स्कूटर होता था, मैं सर्दियों में फॉलोअप करने जाता था, तो मेरी घर वाले मुझको बोलते थे 5 बजे सुबह सुबह नालायक कहाँ जा रहा है। तो हमने बोला कि हमको ऐसा सिखाया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर फॉलोअप करना है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ छेनी हथौड़े के वार से ही कोई पत्थर मूर्त नहीं बनता, सही जगह पर वार होना चाहिए और करने वाला भी निपुण होना चाहिए, नहीं तो कुछ का कुछ बना देगा वो। समझ में आ गई हो तो बोलो हाँ।